केंद्र सरकार की अनलॉक एक की घोषणा के बाद दिहाड़ी मजदूरों की भीड़ चास के चेकपोस्ट पर दिखने लगी है। सुबह से ही दिहाड़ी मजदूर जो हैं वो सैकड़ों की संख्या में काम की आस में सड़कों पर निकल पड़े। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती दिखी। मजदूरों के माने तो अगर वो काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, ऐसे में उनकी मजबूरी है कि काम के लिए घरों से बाहर निकलना। हम लोग लेबर पुलिस में काम करते हैं, हम लोग को लॉकडाउन के माध्यम से कुछ नहीं मिल रहा है, काम भी नहीं मिलता है, और जो भी कुछ है हम लोग आते हैं रोज, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, लेबर क्या करेंगे, गाड़ी घोड़ा नहीं चलता है, बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत स्थिति खराब है सर हम लोग का। कोई मंत्री कोई भी नहीं हम लोग के पास आता पूछने के लिए कि लॉकडाउन में कैसा हालत है, क्या है क्या नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं? कमंडली। कैसे आते हैं वहाँ से? सर साइकिल से आते हैं, चाहे पैदल, दूर दूर से आते हैं, 10 किलोमीटर कोई 5 किलोमीटर, और उसके बाद में यहाँ आने के बाद काम नहीं मिलता है हम लोग को, फिर लौट के जाने के लिए गाड़ी भाड़ा नहीं रहता है, पॉकेट में पैसा नहीं है, बहुत सा दिक्कत है खाने पीने का।